बरेली। अवैध शराब के तस्करों के विरुद्ध चलाए गए अभियान के क्रम में क्राइम ब्रांच बरेली को बड़ी सफलता प्राप्त हुई। मध्यरात्रि समय करीब 11:30 बजे मुखबिर की सूचना पर क्राइम ब्रांच द्वारा पराग दूध फैक्ट्री के पास एक टाटा इंडिगो गाड़ी समेत 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से 40 पेटी अंग्रेजी शराब जिसमें 1920 क्वार्टर जुबली कंपनी के तथा पार्टी स्पेशल ब्रांड की 14 पेटी 168 बोतल क्रेजी रोमियो ब्रांड की 10 बोतल अवैध शराब बरामद हुई। पकड़े गए तस्करों के नाम सत्यप्रकाश, संजय राठौर, जोगेंद्र सिंह, सतीश। क्राइम ब्रांच ने कल रात में करीब 11:40-11:45 के आसपास एक इंडिगो से 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये चारों अपराधी जो हैं अंग्रेजी शराब उत्तरांचल से लाके इसकी तस्करी करते हैं हमारे यहाँ यूपी में और जगह जगह इसको सप्लाई करते हैं। इसमें भारी मात्रा में शराब बरामद की गई है। अब इनका नेटवर्क उत्तरांचल में कहाँ से जुड़ा हुआ है उसकी तहकीकात कर रही है पुलिस और गहराई से छानबीन कर रही है और जल्दी हम इसके नेटवर्क को क्रैक करेंगे और बड़ी कार्रवाई होगी। सर, कितनी संख्या है सर आपकी बात की जाएगी? ये जो करीब 1920 पौवे हैं वो करीब 40 पेटी में हुए थे और 14 पेटी जो बड़ी बोतल है पार्टी स्पेशल करके जो उनका ब्रांड है ये उसमें है। सर, जो गाड़ी है उसमें बीजेपी का झंडा भी लगा हुआ है, क्या ये माना जाए कि जानबूझ के इस तरीके का उपयोग करते हैं ताकि गाड़ी न रोकी जाए? बिल्कुल, अपराधी हैं वो अपने बचाव में किसी तरह के सारे संसाधन उपयोग करते हैं। कभी वो पुलिस लिख कर करते हैं, कभी इस तरह के सिंबल लगाकर, तो वो जाहिर है उसका उद्देश्य सिर्फ अपना बचाव करना है। कब से अभी तक निकल गए, कब से इस चीज में ये तस्करी कर रहे थे और कहाँ सप्लाई करते थे? देखिए, ये पूरे बरेली में जगह जगह सप्लाई करते हैं, इनके कस्टमर्स हैं जो 2-2, 4-4 बोतल भी करके ले जाते हैं और ये काफी समय से कर रहे हैं। जिसमें से एक व्यक्ति जो सरदार करके वहां का है गोजीपुरा का, वो उसने पहले बताया था कि 89 में मैंने पहली बार स्टार्ट किया था, फिर बीच में उसने अपने काम बदल दिए, अभी फिर उसने 6 महीने पहले से पुनः ये काम स्टार्ट किया। तो इसमें जो जो भी लोग जुड़े हुए हैं काफी समय से काम कर रहे हैं। कोई झंडा लगा हुआ है गाड़ी पे, क्या है, क्या लग रहा है किसी पार्टी के भी लोग इसमें जुड़े हुए हैं? अपराधी हैं वो अपने बचाव में तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं। अभी वो कोई भी सिंबल यूज करके उसका उद्देश्य उनका सिर्फ बचाव करना होता है। इसकी भी जांच की जाए, क्या कोई पर्दे के पीछे से? नहीं, वो सारी जांच कर रहे हैं, वो कहाँ से इसके जुड़े हुए हैं, कौन लोग हैं, इसके नेटवर्क कहाँ से, उत्तरांचल से ये सप्लाई हो रही है, उनसे पूछताछ हम कर रहे हैं, उनके बाकी डिटेल ले रहे हैं कि उत्तरांचल में ये बल्क में उत्तरांचल में कहाँ इकट्ठा हो रहा है, कौन इसके पीछे है, बड़ा आदमी कौन व्यक्ति है जिसे सप्लाई कर रहा है, और हमारे यहाँ कहीं और जगह तो नहीं सप्लाई हो रही है, इसकी छानबीन हम लोग गहराई से कर रहे हैं।